नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुमन शर्मा जी, सीमा सोनी जी, श्रीम जी, रमा शंकर शुक्ला जी, स्टडी इन वेद भवन और महबूब आलम जी, मोहम्मद इसराफिल जी और कंचन लता जी, उपदीप कौर जी, साहित्य सहचर जी, प्रांजल जी, महेंद्र कुमार जी, पूरन सिंह जी, ओमवीर जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पारस कश्यप जी, थैंक यू वेरी मच। आपने लिखा है कि आपके आशीर्वाद से मैं सेकेंड ग्रेड में जगह बना पाया हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। आपके ऑनलाइन क्लास से ही नेट क्वालिफाई किया था। अब कॉलेज लेक्चरर में भी आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं पारस जी आपके साथ में है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप कॉलेज लेक्चरर में भी अपनी जगह जरूर बनाएंगे और जब भी आपको ये शुभ सूचना मिलेगी सूचित जरूर करिएगा। बहुत खुशी होती है आप लोगों की सफलताओं को देखकर। लगभग अक्सर ही लोग मुझे बताते हैं और वास्तव में बहुत खुशी मिलती है। और तो इससे उतना लाभ नहीं होता है मुझे, लेकिन हाँ, इस तरह की सूचनाएं बहुत ही ज्यादा मेरा उत्साह वर्धन कर देती है। चलिए अब आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रसार, है ना। अभी तक हमने ये देखा था कि हिंदी कैसे अपने पैरों पे खड़ी हुई। अब हम देखने जा रहे हैं कि गद्य के साहित्य का प्रसार कैसे हुआ, यानी कि इसका द्वितीय उत्थान काल, जिसका समय 1950 से 1975 तक है। गद्य साहित्य का प्रसार यानी द्वितीय उत्थान काल का आपको इसमें सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य परिचय और ये प्रकरण है, ठीक है। हमने भारतेंदु जी की बात की थी। इस उत्थान के आरंभ संवत 1950 ही हम मान सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी चिंताओं और आकांक्षाओं का आभास पाते हैं जिसका समय भारतेंदु के सामने नहीं आया। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय पे जिन कुछ ऐसी चीजें सामने हमारे नहीं आई थी जो इस उत्थान काल में हमें देखने को मिली, कुछ ऐसी चिंताएं, कुछ ऐसी आकांक्षाएं, आगे हम उनको जानेंगे। भारतेंदु मंडल मनोरंजक साहित्य निर्माण द्वारा हिंदी गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का भाव भी प्रतिष्ठित करने में अधिकतर लगा रहा। भारतेंदु मंडल के लेखकों ने क्या किया, वो मनोरंजन साहित्य का निर्माण कर रहे थे, है ना, और इसी से वो गद्य साहित्य की स्वतंत्र सत्ता का निर्माण करना चाह रहे थे। अब आप भी जान रहे हैं कि उसके पहले जो पढ़ा लिखा वर्ग था वो हिंदी खड़ी बोली या नागरी लिपि की तरफ इतना आकृष्ट नहीं होता था, क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरियों के लिए उर्दू ज्यादा जरूरत थी। तो अब जब सरकारी नौकरी के लिए नहीं तो मनोरंजन के लिए मतलब कुछ तो चाहिए था, इसीलिए उस समय के लेखकों ने ज्यादातर क्या किया, मनोरंजक साहित्य का निर्माण किया ताकि उस समय के पढ़े लिखे युवा इस तरफ आकृष्ट हो। अब ये भाव पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गया था। शिक्षित समाज को अपने इस नए गद्य साहित्य का बहुत कुछ परिचय भी हो गया था। प्रथम उत्थान के भीतर बहुत बड़ी शिकायत ये रहा करती थी कि अंग्रेज की ऊंची शिक्षा पाए हुए बड़े बड़े डिग्रीधारी लोग हिंदी साहित्य का नूतन निर्माण में योग नहीं दे रहे थे। जिसने अंग्रेजी सीख ली पता नहीं क्या समस्या होती है, और ये हमेशा से कि उसको हिंदी छोटी लगने लगती है, और जबकि हिंदी कहीं ज्यादा कठिन, कहीं ज्यादा समझदारों के लिए और कहीं ज्यादा शिक्षित वैज्ञानिक भाषा है। तो क्या होता था, जो अंग्रेजी पढ़ लेते थे वो हिंदी के साहित्य के निर्माण में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते थे, कोई योग नहीं देते थे, अपनी भाषा के लिए बहुत उदासीन रहते थे। द्वितीय उत्थान में ये शिकायत बहुत कम हुई, यानी कि लोग इस तरफ, जो पढ़ा लिखा शिक्षित समाज था वो इस तरफ प्रवृत्त हुआ, बढ़ा। उच्च शिक्षा प्राप्त लोग धीरे धीरे आने लगे, पर अधिकतर ये कहते हुए कि मुझे तो हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती तो शर्म की बात है, हिंदी नहीं आती तो गर्व की बात है। इधर से जवाब मिलता था तो क्या हुआ, आ न जाएगी, कुछ काम तो शुरू कीजिए। अतः बहुत से लोगों ने हिंदी आने के पहले ही काम शुरू कर दिया,
उनकी भाषा में जो दोष रहते थे वे उनकी खातिर दरगुजर कर दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको अंग्रेजी आती थी, हिंदी के प्रति वो उदासीन थे, वो तो कर रहे थे, यही बहुत बड़ी बात। जब वे कुछ काम कर चुकते थे, दो चार चीजें लिख चुकते थे, तब तो पूरे लेखक हो जाते थे। फिर उन्हें हिंदी आने ना आने की परवाह क्यों होने लगी? मतलब पहले तो उनको हिंदी आ नहीं रही है, लेकिन जहाँ एक दो चीजें उन्होंने लिख ली तब वो समझने लगते थे कि अब तो हम पूरे लेखक हो गए। फिर उन्हें ये भी भान नहीं रहता था कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, हमें हिंदी आती है या नहीं आती। इस कालखंड के बीच हिंदी लेखकों की तारीफ में प्रायः ये कहा सुना जाता था कि ये संस्कृत बहुत अच्छी जानते हैं, ये अरबी फारसी के पूरे विद्वान हैं, ये अंग्रेजी के अच्छे पंडित हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं समझी जाती थी कि ये हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं। आज भी नहीं समझी जाती, बहुत क्या कहूं मैं इसको। कहीं पे आप चार लोगों को खड़े इंग्लिश में बात करते देख लेते हैं तो आप उसको कहते हैं नहीं वेल एजुकेटेड है, लेकिन ये वहीं पे अगर बहुत शुद्ध और सार्थक हिंदी कोई बोल रहा होता है ना तो आप शायद कहीं ना कहीं इतना उसको तवज्जो भी नहीं देते। पता नहीं क्या ये मालूम ही नहीं होता था कि हिंदी भी कोई जानने की चीज है। परिणाम ये हुआ कि बहुत से हिंदी के प्रौढ़ और अच्छे लेखक अपने लेखों में फारसी दानी, अंग्रेजी दानी, संस्कृत दानी का आदि कुछ प्रमाण देना जरूरी समझते थे। क्यों? क्योंकि दूसरों को पता चले कि हम हिंदी के सिवा और मतलब हिंदी का हम लिख रहे हैं लेकिन हम अंग्रेजी के विद्वान हैं या हमें संस्कृत भी आती है। इस प्रवृत्ति की वजह से वो हिंदी लिखना ही नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं पर, आपकी फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत उसमें डालना जरूरी समझते थे अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए। भाषा बिगड़ने का एक और सामान दूसरी ओर खड़ा हो गया था। हिंदी के पाठकों का अब वैसा अकाल नहीं था, विशेषता उपन्यास पढ़ने वाले। बांग्ला उपन्यासों के अनुवाद धड़ाधड़ निकलने लगे थे। बहुत से लोग हिंदी लिखना सीखने के लिए केवल संस्कृत के शब्दों की जानकारी ही आवश्यक समझते थे। ठीक है, संस्कृत के वो शब्द जानते तो उन्हें लगता था कि हिंदी आ गई। हिंदी का अपना अस्तित्व जो अस्तित्व था, हिंदी वास्तव में अभी तक अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी जो बंगला की पुस्तकों से प्राप्त हो जाती थी। ये जानकारी थोड़ी बहुत ही वे बंगला के अनुवाद से भी कर लेते थे और हिंदी के लेख भी लिखने लगते थे। अतः एक ओर अंग्रेजी दानों की ओर से स्वार्थ लेना, जीवन होड़, कवि का संदेश, दृष्टिकोण आदि आने लगे, दूसरी तरफ बंग भाषा आश्रित लोगों की ओर से सिहरना, कांदना, बसंत रोग आदि ऐसे शब्द हिंदी में आने लगे। अब तो इतने मिल गए कि हम और आप तो उसको अलग करने के लिए भी परेशान होते हैं। जब हमारी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है ये किस भाषा का शब्द है तो भी हमको उसको देखना और याद करना पड़ता है, हम अपनी हिंदी की पहचान तक नहीं रखते। हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी से चाहते हैं, हिंदी से जॉब चाहते हैं, हम डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज में हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम शुद्ध हिंदी के शब्दों की मतलब पहचानने में भी सक्षम नहीं हो पाते। कई बार बहुत सारे लोग जानते हैं बहुत अच्छी हिंदी है उनकी, मैं जानती हूँ, मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। अब तो ये भाषा में मिल गए हैं, अब तो हिंदी ने इन्हें अपना भी लिया। इतना अवश्य था कि पिछले कोड़े के लोग उनकी लिखावट उतनी अजनबी नहीं लगती थी जितने पहले कैडे वालों। बंग भाषा फिर भी अपने देश और हिंदी से मिलती जुलती भाषा थी, उसके अभ्यास के प्रसंग या स्थल के अनुरूप बहुत ही सुंदर और उपयुक्त संस्कृत शब्द मिलते थे। अतः बंग भाषा की ओर से जो झुकाव रहा उसके प्रभाव से बहुत ही परमार्जित और सुंदर संस्कृत पद विन्यास की परंपरा हिंदी में आई, ये स्वीकार करना पड़ता है। और बंग भाषा में भी संस्कृत शब्द मिलते थे और उसने क्या किया, बंग भाषा के शब्दों को जब प्रयोग किया गया तो कहीं ना कहीं हिंदी थोड़ी परमार्जित हुई उससे, और संस्कृत के पद विन्यास जिस तरह से संस्कृत में पद विन्यास होते थे उसकी भी परंपरा हिंदी में आई, तो इससे तो हिंदी को कहीं ना कहीं काफी लाभ। ठीक है, क्योंकि ये अपनी भाषा, भाई बंग जो बंग भाषा ये संस्कृत, संस्कृत तो जननी है
और बंग भाषा भी बहन ही थी तो उससे उतना समस्या नहीं हुई, पर अंग्रेजी विचार करने वाले जब आपने का अंग्रेजी संस्कृत कोर्स ले अपने विचारों का शाब्दिक अनुवाद करने बैठते तब तो हिंदी बेचारी कोसों दूर खड़ी रह होती थी। वे हिंदी और संस्कृत के शब्द भर लिखते, हिंदी भाषा नहीं लिखते। अब आप समझ सोच रहे होंगे हिंदी शब्द लिखते थे भाषा नहीं लिखते थे, तो आप थोड़ा विचार कीजिएगा, भाषा और शब्दों में अंतर हो गया ना। जब वो शब्द कोस लेके बैठ रहे हैं तो एक एक शब्द का उन्होंने हिंदी का अनुवाद तो देख लिया, लेकिन एक जिसको कहते पद विन्यास सेंटेंस की फॉर्मेशन वो कहां से आई है ना। उनके बहुत से वाक्यों का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की भंगिमा से परिचित लोग ही समझ सकते, केवल हिंदी या संस्कृत जानने वाले नहीं। पहले कहा जा चुका है कि भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह जमी नहीं, यानी कि भारतेंदु काल में हिंदी तो अपने पैरों पर चलना सीख रही थी, लेकिन तब तक लेखकों की जो दृष्टि थी, जो नजर थी, वो व्याकरण की तरफ नहीं गई थी कि इसके व्याकरण को भी परमार्जित करने की सुधारने की जरूरत। वे इच्छा किया ऐसा किया ऐसे शब्दों का प्रयोग भी कर जाते थे और पद विन्यास की सफाई पर भी उनका उतना ध्यान नहीं रखते, पर उनकी भाषा हिंदी ही होती थी, मुहावरे के खिलाफ प्राय नहीं जाती। ये हम बात कर रहे थे प्रथम उत्थान का, ठीक है, पर द्वितीय उत्थान के भीतर बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता और भाषा रूप खाली दोनों साथ साथ दिखाई पड़ती है। अब यहाँ से हम द्वितीय उत्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ भी बहुत दिनों तक व्याकरण की शिथिलता हमें देखने को मिली। व्याकरण की व्यतिक्रम और भाषा की अस्थिरता पर थोड़े दिनों में ही खूब दृष्टि पड़ी, पर भाषा के रूप हानि की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया। मतलब व्याकरण की तरफ तो लोगों का फिर भी बाद में ध्यान गया, लेकिन जो भाषा की रूप हानि होती है ना, एक जिसको कहते हैं सुंदर सुव्यवस्थित परिमार्जित बोली, उस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया। अब कई बार ऐसा होता है कि भाषा व्याकरण रूप से बहुत अच्छी होती है पर कर्णप्रिय नहीं होती, उतनी सुंदर नहीं लगती, तो उस तरफ अभी भी लोगों का ध्यान नहीं गया। पर जो कुछ हुआ वही बहुत, और उसके लिए हमारा हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है, पता भी होगी आप सबको और ध्यान रखिएगा भी। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों का को बहुत कुछ सावधान कर दिया। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि का पूरा ध्यान रखने लगे। अनाड़ी लोग ही होते हैं कि जब उनकी कोई गलती, उनकी कोई कमी उनके सामने रखी जाती है तो वो उसके सपोर्ट में, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, और जबकि जिसमें जरा सा भी विवेक है, जरा सी भी समझदारी है, वो तुरंत कहता है अच्छा ये कमी है तो आइए इसको दूर कर ले, हम में ही सुधार होगा। इसलिए वीडियो में भी अगर आपको कोई कमी लगे तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण, जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाए तब तक बना रहेगा। व्याकरण की ओर इस प्रकार ध्यान जाने पर कुछ दिनों व्याकरण संबंधी बातों की चर्चा भी पत्रों में अच्छी चली, तब पत्र पत्रिकाओं में भी इस संबंध पत्रों में भी व्याकरण के संबंध में बातें होने लगी। विभक्तियां शब्दों में मिलाकर लिखनी चाहिए या अलग, इस प्रश्न को लेकर कुछ काल तक खंडन मंडन के लेखक जोर सोचे। इस आंदोलन के नायक हुए थे पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र, याद रखिएगा।
इसके जो व्याकरण संबंधी चर्चा चली थी, इसके नायक कौन थे, ये विभक्ति शब्दों से मिलाकर लिखनी चाहिए कि अलग, इन सब चीजों के जो नायक हुए, इस आंदोलन के जो नायक थे वो थे पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र। इन्होंने विभक्ति वचार नाम की एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों की अशुद्ध हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी थी। ठीक है, विभक्ति विचार पंडित गोविंद नारायण जी मिश्र के आगे रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसको समझिए, इसको इस तरह से आप समझते रहेंगे कि किस तरह से हमारी हिंदी लड़ती झगड़ती हुई, कैसे अपने रूप को सुधारती हुई, अपने आप को व्यवस्थित करती हुई आगे बढ़ रही है। जब हम इस चीज को जानने में इंटरेस्ट लेंगे ना, रुचि लेंगे, तब हमें ये सब पढ़ने में अच्छा लगेगा, तब हमें कभी शुक्ल जी की बुक खराब नहीं लगी। मुझे तो कभी ये बुक खराब नहीं लगती, हमेशा से ये मेरी हिंदी साहित्य में सबसे पसंदीदा बुक रही। और भी लेखकों को पढ़ना पसंद करती हूँ, पर मुझे ये बुक बहुत पसंद है, ये पुस्तक बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित करती है। इस द्वितीय उत्थान ने जैसे अधिक प्रकार के विषय लेखकों के विस्तृत दृष्टि के भीतर आए, वैसी ही शैली की अनेकरूपता का भी अधिक विकास हुआ। मतलब यहाँ पे विषय भी बहुत सारे आए हमें देखने को मिले और शैलियां भी अलग अलग दिखाई। ऐसे लेखकों की संख्या कुछ बढ़ी जिनकी शैली में कुछ उनकी निज की शिष्टता रहती, जिनकी लिखावट को परख कर लोग ये कह सकते थे कि यह उन्हीं की है। मतलब यदि आप उनका कोई भी लेख पढ़ते हैं तो आप पहचान लेंगे कि अच्छा ये उन्होंने लिखी। अपनी निज शैली यानी कुछ मौलिकता या कुछ अलग सा उनके लेखों में दिखाई पड़ता था, जिससे वो अपनी अलग पहचान बना सकते। साथ ही वाक्य विन्यास में अधिक सफाई और व्यवस्था आई, विराम चिन्हों का आवश्यक प्रयोग होने लगा। यानी कि इस समय के पहले तक क्या होता था, ये जो हम लोग पूर्ण विराम, अल्प विराम और ये सारे विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जाहिर सी बात है, जब आप भी समझ रहे विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं होगा तो हिंदी पढ़ने में काफी असुविधा होती। सही हिंदी पढ़ने में भी काफी, मतलब लिखा सही है लेकिन उसको पढ़ने में असुविधा हो जाती है ना। इस समय से क्या हुआ, विराम चिन्हों का भी आवश्यक प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी आदि अन्य समुन्नत भाषाओं उच्च विचारधारा से परिचित और अपनी भाषा पर भी यथेष्ट अधिकार रखने वाले कुछ लेखकों की कृपा से हिंदी की अर्थोधारणी शक्ति अच्छी वृद्धि और अभिव्यंजन प्रणाली का भी अच्छा प्रचार प्रसार हुआ। सघन और गुंफित विचार सूत्रों को व्यक्त करने वाली तथा सूक्ष्म और गूढ़ भावों को झलकाने वाली भाषा साहित्य को कुछ न कुछ प्राप्त होने लगी। इससे पहले तो भाषा का विकास हो रहा था, उसके अंदर गूढ़ विचारों को ढूंढना उतना नहीं था, पर इस समय से क्या हुआ, विचार सूत्रों में सूक्ष्म और गूढ़ भाव भी झलकने लगे थे, दिखाई देने लगे थे, गहराई आने लगी थी भाषा में, जिसको हम कह सकते हैं। उसी के अनुरूप हमारे साहित्य का दौर भी बहुत ऊंचा हुआ। बंगला के उत्कृष्ट सामाजिक, पारिवारिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के लगातार आते रहने से रुचि परिस्फुट होती रही, जिससे कुछ दिनों की तिलस्म, अय्यारी और जासूसी के उपरांत उच्च कोटि के अच्छे साहित्यिक उपन्यासों की मौलिक रचना का भी दिन ईश्वर ने दिखाया। नाटक के क्षेत्र में वैसी उन्नति नहीं दिखाई पड़ी। बाबू राधा कृष्ण के महाराणा प्रताप या राजस्थान के महाराणा प्रताप को ही राजस्थान के उस केस भी कहेंगे कि कुछ दिन घूम रही, उसका अभिनय भी बहुत बार हुआ। राय प्रसाद देवी जी पूर्ण ने चंद्रकला भानु कुमार नाम का एक बहुत ही बड़े टिंडोल का नाटक लिखा, पर वह साहित्य की विविधा अंगों से पूर्ण होने पर वस्तु वैचित्र के अभाव तथा भाषणों की कृत्रिमता आदि के कारण उतना प्रसिद्ध नहीं हो सका। अब ये चंद्रकला भानु कुमार किसका है और ये क्यों नहीं प्रसिद्ध हुआ, ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। बंगला के नाटकों के कुछ अनुवाद बाबू राम कृष्ण वर्मा जी के बाद भी होते रहे, पर उतनी अधिकता से नहीं जितनी अधिकता से उपन्यास।
इससे नाटक की गति बहुत मंद रही। हिंदी प्रेमियों के उत्साह से स्थापित प्रयाग और काशी की नाटक मंडलियां जैसे भारतीय नाटक मंडली के लिए रंगशाला के अनुकूल एक दो एक छोटे मोटे नाटक अवश्य लिखे गए, पर वो साहित्यिक दृष्टि से प्रसिद्धि नहीं पा पाए। रंगमंच पे खेल लिए गए लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उनका वो मूल्य ना रहा, उतनी प्रसिद्धि उन्हें नहीं मिल पाई। प्रयाग में पंडित माधव शुक्ल जी और काशी में पंडित दुग्वेकर अपनी रचनाओं और अनूठे अभिनयों द्वारा बहुत दिनों तक दृश्य काव्य की रुचि जगाए रहे। इसके उपरांत बंगला में श्री विजेंद्र लाल राय के नाटकों और उनके अनुवाद हिंदी में धड़ाधड़ हुए। इसी प्रकार रविंद्र बाबू के कुछ नाटक भी हिंदी रूप में लाए गए। वक्की उत्थान के अंत में दृश्य काव्य की अवस्था यही रही। दृश्य काव्य मतलब नाटक बहुत ज्यादा उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकते। अब बात करते निबंधों की, ठीक है। पहले हमने उपन्यासों की बात की, फिर नाटकों की बात, ठीक है। उपन्यास शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुछ अच्छे साहित्यिक उपन्यास की उन्नति देखने को मिली लेकिन नाटकों की उन्नति देखने को नहीं। निबंधों की ओर यद्यपि बहुत कम ध्यान दिया गया पर उसकी परंपरा ऐसी ना चली कि हम 5-7 उच्च कोटि के निबंध देखोगे तो उसी प्रकार छट से छाट कर बता दे जिस प्रकार अंग्रेजी साहित्य में बता दिए जाते हैं। फिर भी बीच बीच में अच्छे और उच्च कोटि के निबंध मासिक पत्रिकाओं में दिखाई पड़ते रहे। इस द्वितीय उत्थान में साहित्य का एक एक अंक को लेकर वैसी जैसी विशिष्टता लेखकों में आनी चाहिए थी, आ जानी चाहिए थी, वैसी विशिष्टता न आ पाई। इसी विषय पे अपनी सबसे अधिक शक्ति किसी विषय में अपनी सबसे अधिक शक्ति देख उसे अपना कर बैठने की प्रवृत्ति बहुत कम दिखाई। बहुत लेखकों का यह हाल रहा कि कभी अखबार नवीसी करते, कभी उपन्यास लिखते, कभी नाटकों में दखल देते, कभी कविता की आलोचना करने लगते और कभी इतिहास और पुरातत्व की बातें लेकर सामने आते। हर एक की अपनी विशिष्टता होती है और शुक्ल जी कह रहे हैं कि उस समय लोगों ने लेखकों ने अपनी विशिष्टता नहीं देखी, अपने लिखने की शक्ति किधर जाता है, उनमें किस चीज की खासियत है इसको नहीं देखा। उन्होंने कभी अखबार में लिखा, कभी उपन्यास लिखे, कभी नाटक लिखे, कभी नाटकों की कविता की आलोचनाएं भी लिखी और इतिहास पुरातत्व लिखा। ऐसी अवस्था में भाषा की पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने वाले पूर्ण गंभीर निबंध लेखक कहाँ से तैयार होते। फिर भी भिन्न भिन्न शैलियां प्रदर्शित करने वाले कई अच्छे लेखक इस बीच बताए जा रहे हैं जिन्होंने लिखा तो बहुत कम है पर जो कुछ लिखा वे समालोचना का आरंभ यद्यपि भारतेंदु के जीवन काल में ही कुछ ना कुछ हो गया था पर उसका अधिक वैभव इस द्वितीय उत्थान काल में ही दिखाई पड़ा। अब ये समझिए कि जब आपसे कूट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तब आप समझ नहीं पाते कि कूट के प्रश्न को किया कहा जाए, और जबकि यहाँ पे देखिए द्वितीय उत्थान काल में किस जिसको आप कहेंगे कि किस नाटक उपन्यास किसकी ज्यादा उन्नति हुई, कौन कहाँ तक लेके चला, ये सब चीजें बहुत ध्यान देके समझने वाली और पढ़ने वाली है, क्योंकि इन्हीं से जब प्रश्न उठा के हमारे सामने रख दिए जाते हैं तो वो हमें नए लगने लगते है ना। यदि अभी आपसे द्वितीय उत्थान काल में उपन्यासों का इतना इतना विकास हुआ या इससे ही कुछ उलट वाक्य रख दिया जाएगा तो यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ा है समझा है तो आपको उनमें करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको याद करना पड़ेगा। कहा थी मैं श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहले पहल विस्तृत समालोचना का रास्ता निकाला, फिर मिश्र बंधुओं और पंडित पद्म सिंह शर्मा ने अपने ढंग पर कुछ पुराने कवियों के संबंध में विचार प्रकट किए, पर यह सब आलोचना बहिरंग बातों तक ही रही। भाषा के गुणदोष, रस, अलंकार आदि की समीचीनता
इन्हीं सब पारंगत विषयों तक पहुंचे, मतलब बाहरी चीजें जो दिखाई देती है, भाषा में क्या गुण है, क्या दोष है, रस, अलंकार, इन्हीं सब चीजों पे समालोचनाएं लिखी गई। स्थाई साहित्य की परिगणित होने वाली समालोचना जिसमें किसी कवि की अंतर प्रकृति का सूक्ष्म व्यक्तिभेद होता है, उसकी मानसिक प्रवृत्ति की विशेषता दिखाई देती है, वह भी कम दिखाई पड़ी। साहित्य मोल रखने वाले तीन जीवन चरित्र महत्व के निकले, कौन कौन से? पंडित माधव प्रसाद मिश्र की विशुद्ध चरितावली, स्वामी विशुद्धानंद का जीवन चरित्र, दूसरा बाबू शिव नंदन सहाय लिखित हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, और चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। और ये चरित्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में गद्य साहित्य का प्रसार, द्वितीय उत्थान काल में 1950 से प्रकरण चौथा शुरू होगा। अभी हमने तीसरा प्रकरण पढ़ा था, अब गद्य साहित्य का निर्माण चौथा प्रकरण है। इसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि 4 मिनट ही रह गए, कहाँ से शुरू करेंगे और पूरा हो नहीं पाएगा, ठीक है। और दोस्तों कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, अपने विचार करने की, अपने सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ाइए, विचार कीजिए हर चीज पे, हर चीज की आलोचना नहीं, समालोचना, अच्छे से बुरे से सब चीज को देखने और समझने की कोशिश किया करिए, बोलिए, अपने विचारों को प्रकट करिए। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको अपने विचारों को प्रकट करना भी आना चाहिए। किसी की बुराई भलाई कर ना करते हुए भी हम बहुत कुछ कह सकते हैं, और मैं आपके विचारों हर जगह अपने लाइव क्लास में, अपने वीडियोस के कमेंट बॉक्स में, और अपने ये आपके टेलीग्राम चैनल पे, सभी जगह मैं चाहती हूँ कि आपके जो सोचने की क्षमता है वो बढ़े, और चीजों को व्यक्त करने की क्षमता बढ़े, तभी हिंदी साहित्य को पढ़ना साफ, ठीक है। चलिए फिर बताइएगा कमेंट्स में, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। शुक्ल जी को पढ़ने वाले जो है वो विद्यार्थी मुझे बहुत कम मिले हैं, लेकिन जितने मिले हैं वो हैं बहुत अच्छे। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।